हेलो दोस्तों, तो हाल ही में गैप द सीरीज की ट्रेलर रिलीज हुआ है। अगर उस ट्रेलर को हम अच्छे से देखें तो पता चलता है मोन 12 साल बाद अपनी आइडल सैम से मिलने वाली थी और वो सैम के कंपनी में काम करने भी वाली थी। तो वो जब ऑफिस ज्वाइन करती है तब उसे पता चलता है 12 साल पहले उसने जिस सैम को देखा था वो अब पूरी बदल चुकी है। अमीर होने की वजह से उसमें घमंड आ गया है और किसी को हर्ट करने से पहले वो दो बार नहीं सोचती है और ऑफिस में उससे सब डरते भी हैं। पहले तो सैम मोन को पहचान नहीं पाती और जब पहचान जाती है तब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और सैम ने जो बोला था ऑफिस के लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते हैं, वो रूल सैम ने खुद ही तोड़ा था। और यह है किर्क, सैम का बिजनेस पार्टनर और साथ में फियोंसे भी। वैसे मैं बता दूं, किर्क की शादी सैम के बहन से होने वाली थी। अब क्योंकि सैम की बहन किसी और से प्यार करती थी इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था, जो देख के सैम की ग्रैंड मदर सैम से बिना कुछ पूछे उसकी एंगेजमेंट किर्क से करवा देती है। वैसे मैं बता दूं, सैम की ग्रैंड मदर अपने अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचती है। तो सैम जब अपने प्यार के बारे में अपने ग्रैंड मदर को बताती है तब वो सैम को बोलते हैं मोन से ब्रेकअप करके किर्क से शादी करने के लिए, और सैम ठीक वही करती है। तो ये ट्रेलर देखकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है, 12 साल पहले मोन और सैम का रिश्ता क्या था और वो दोनों कैसे मिले थे? और क्या सैम की बहन ये जानती है कि सैम भी किसी से प्यार करती है लेकिन ग्रैंड मदर के फोर्स करने पर वो शादी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या सच में सैम ने किर्क से शादी किया या नहीं? वैसे ये ट्रेलर देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि कोई सैड एंडिंग होगा तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सीरीज के डायरेक्टर ने खुद ही फोटोज लीक किया है जिन फोटोज में हम देखते हैं मोन और सैम शादी करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, ग्रैंड मदर ने सैम को कैसे एक्सेप्ट किया जबकि सैम की बड़ी बहन को उन्होंने घर से निकाल दिया था? वैसे मैं बता दूं, ये सीरीज 19 नवंबर को रिलीज होने वाला है। मैं तो देखने के लिए बेताब हूँ। अगर आप लोगों को ये ट्रेलर देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और इस सीरीज में रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी सब कुछ है, तो प्लीज देखना और इस सीरीज को सपोर्ट करना। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।